हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूजी का हलवा बनाकर दिखाने वाली हूं और ये हलवा दानेदार बनता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहां पे 200 ग्राम सूजी ली है, ये बारीक वाली सूजी है। 300 ग्राम के करीब मैंने यहां पे चीनी ली है। थोड़े से बादाम लिए, इन्हें मैंने कट कर लिए है। देसी घी लिया मैंने 150 ग्राम के करीब, और थोड़े से काजू लिए, इन्हें भी मैंने कट कर लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लेते हैं। अब मैं कढ़ाई के अंदर सूजी डाल देती हूँ और सूजी को हमें सेकना है। तो गैस हम 1 मिनट थोड़ा सा तेज रखेंगे, उसके बाद हम मीडियम कर देंगे, जिससे कि कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए। तो हम चलाना शुरू कर देंगे। सूजी को हमें मीडियम गैस पे सेकना होता है। अगर हम तेज गैस करके सेकेंगे तो ये जल जाएगी। बस हमें 1 मिनट ही तेज रखना है, जिससे कि थोड़ी सी कढ़ाई गर्म हो जाए। अब गैस हम मीडियम कर देते हैं और सूजी को हम चलाते हुए ही सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ली है, क्योंकि हलवा बारीक वाली सूजी का ही अच्छा बनता है। 3 मिनट तक मैंने सूजी को ऐसे ही सेक लिया है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। मैं यहाँ पे आधा घी डाल रही हूँ, आधा घी मैं बाद में डालूंगी। अब चला देंगे। अब चलाते हुए ही हमें इसे सेकना है। ये देखिए, सूजी अच्छे से सिक चुकी है। करीब मुझे 15 मिनट लगे हैं इसे अच्छे से सेकने में, और इस वक्त सूजी के अंदर से खुशबू भी आने लगी है। गैस हम बंद कर देते हैं और इस सूजी को हम प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। सूजी को मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर दिया है और ये वही कढ़ाई है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे कोई 1 लीटर के करीब पानी लिया है। गैस ऑन कर देते हैं और जिसमें सूजी पड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पानी को उबालना है। अब हम इसमें चीनी भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चीनी ली है। आप चाहें तो अपने मीठे के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब चीनी को हम अच्छे से घुलने देंगे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा, चीनी भी अच्छे से घुलने शुरू हो जाएगी। हमें इसकी एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसे चीनी को अच्छे से घोलना है। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे पानी कम नहीं लेना है। अगर पानी कम होगा तो सूजी पानी जल्दी से सोख लेती है और उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए हमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही लेना होता है। अगर कभी उससे पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो हम सूजी को ज़्यादा पकाएंगे तो पानी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम सूजी ली थी, तो मैंने 1 लीटर के करीब पानी लिया है, जिससे जब सूजी अच्छे से पक जाए और उसमें गुठलियाँ भी ना पड़े। ये देखिए, पानी भी उबाल आने लगा है और चीनी भी ऑलमोस्ट घुल चुकी है। देखिए, पानी भी उबाल आ गया है। और आप ये सोच रहेंगे ये नीचे चीनी है, ये चीनी नहीं है, जो सूजी चारों तरफ लगी हुई थी वो पानी की वजह से नीचे चले गई है। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे जो हमने सेक ली थी। फिर हम चलाते हुए ही पका लेंगे। आप सोच रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, पर जैसे सूजी पकने लगेगी सारा पानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। अगर हम इसमें पानी कम रखेंगे तो इस टाइम पे गुठलियाँ पड़ चुकी होती, वो सूजी बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है। आप देख सकते हैं कुछ सेकेंड में ही इसमें गाढ़ापन आ गया है। अब हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे। से चलाते हुए पकाएंगे और जो हमने घी बचा के रखा है वो जब बिल्कुल हलवा बनने लगेगा, बिल्कुल जब तैयार होने लगेगा तभी हम डालेंगे। तो उससे ऐसा लगता है कि इसमें घी बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस टाइम पे ये उछटने लगा है।
इस तरीके से होने लगे, अब हम इसके अंदर बचा हुआ घी भी डाल देंगे और ये बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है इस तरीके से। अब हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि थोड़ी देर बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब एक तरीके से देखोगे तो ये छोड़ने लगा चारों तरफ से। गैस हमने बंद कर दी है, ये देखिए हलवा रेडी हो गया है। अब हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका रंग और कितना दानेदार बना है। देखा दोस्तों, सूजी का हलवा बनाना कितना आसान है। अगर आप इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो सूजी का हलवा बहुत ही टेस्टी और दानेदार बनेगा। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।